राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल के 42वें मुकाबले की बात करें तो राजस्थान की टीम के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया। टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 212 रन का बड़ा स्कोरबोर्ड मुंबई इंडियंस के सामने इस मुकाबले में खड़ा किया और राजस्थान रॉयल्स के लिए इस मैच में कमाल किया 21 साल के यशस्वी जायसवाल ने। जायसवाल की बात करें तो इस मैच में जायसवाल ने आईपीएल का अपना पहला शतक ठोका। 62 गेंदों का सामना करते हुए जायसवाल ने 124 रनों की पारी खेली। पारी के दौरान 16 चौके और 8 छक्के लगाए। 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपने आईपीएल का पहला शतक लगा करके अपनी टीम को मजबूती दिलाई। आपको बता दें कि राजस्थान के लिए एक छोर पर लगातार विकेट गिरते चले गए। टीम के किसी भी बल्लेबाज ने यशस्वी जायसवाल का इस मुकाबले में साथ नहीं दिया, लेकिन अकेले दम पर यशस्वी जायसवाल टिके रहे और बल्लेबाजी करने के साथ साथ शतक भी ठोक दिया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ शतक लगाने वाले मुंबई के ही यशस्वी जायसवाल ने इस शतक के साथ कई बड़े रिकॉर्ड्स को अपने नाम किया। अगर उनके रिकॉर्ड्स की ओर नज़र डालें तो सबसे पहले 53 गेंदों पर अपनी सेंचुरी को पूरा करते हुए यशस्वी जायसवाल 21 साल 123 दिन की उम्र में आईपीएल में शतक लगाने वाले चौथे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। वह मनीष पांडे, ऋषभ पंत और देवदत्त पडिकल के बाद चौथे युवा बल्लेबाज हैं जिन्होंने आईपीएल में शतक ठोक दिया हो। बता दें कि 53वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा और अपने शतक को पूरा किया। इसके साथ ही यशस्वी जायसवाल ने शतक के साथ एक अनकैप्ड खिलाड़ी के द्वारा आईपीएल में सबसे बड़ी पारी खेलने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल की 124 रन की पारी किसी भी अनकैप्ड प्लेयर के द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी रही। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल 5वें अनकैप्ड भारतीय बल्लेबाज बने जिन्होंने T20 की इस लीग में शतक लगाया हो। इसके अलावा आईपीएल के पहले मैच में ब्रेंडन मैकेलम ने शतक लगाया था और आईपीएल के 1000वें मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाकर इतिहास रच दिया। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने कई अन्य रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। यशस्वी जायसवाल राजस्थान की तरफ से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जॉस बटलर को पीछे छोड़ते हुए यशस्वी जायसवाल ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जॉस बटलर ने 124 रन की पारी हैदराबाद के खिलाफ खेली थी, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने बटलर से कम गेंदों में 124 रन बनाए और 21 साल की उम्र में आईपीएल 2023 में कमाल कर दिया। इस शतक के साथ यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप को भी अपने नाम किया। इस मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप सीधा यशस्वी जायसवाल के सिर पर आई। 9 मुकाबलों में इस शतक के बाद उन्होंने 428 रन ठोके और इस मैच में उन्होंने कमाल कर दिया। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स के लिए शतक लगाने वाले 7वें खिलाड़ी बने। उनसे पहले कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने शतक लगाए हैं और वह 7वें बल्लेबाज हैं जिन्होंने राजस्थान के लिए खेलते हुए शतक लगाया हो। इसके अलावा वह राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे युवा बल्लेबाज बने जिन्होंने आईपीएल में शतक ठोका हो। वहीं अगर यशस्वी जायसवाल की बात करें तो आईपीएल 2023 के पावर प्ले में भी सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में यशस्वी जायसवाल सबसे आगे निकल गए हैं। यानी कि एक शतक के साथ यशस्वी जायसवाल ने एक दो नहीं बल्कि कई रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। एक युवा बल्लेबाज के तौर पर, राजस्थान के बल्लेबाज के तौर पर, पावर प्ले के बल्लेबाज के तौर पर, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के तौर पर वह रिकॉर्ड बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल बन गए हैं। आपको बता दें कि जायसवाल की इस पारी की बदौलत ही टीम एक बड़े स्कोर तक पहुंची और टीम ने इस सेंचुरी की बदौलत ही मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल का अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। यानी कि 212 का स्कोर राजस्थान रॉयल्स का मुंबई के खिलाफ अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर रहा। आपकी जो कुछ राय है जायसवाल की इस रिकॉर्ड तोड़ पारी को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।